तो जी आज बोरोसिल किचन में महाराष्ट्र की स्पेशल डिश बन रही है मिसल पाव। हम शुरू करते हैं मिसल का मसाला बनाने से। सबसे पहले क्या करना है आपको वो बताता हूँ। ये मैंने बढ़िया ट्राई प्लाई की कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले नारियल डाल देते हैं, ये लगभग 100 ग्राम के आसपास हो। एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया लेना आपने और लाल मिर्चे मिसल की जान, ठीक है। ये 5-6 लाल मिर्चे ले लें, साथ ही साथ तिल ले लें एक बड़ा चम्मच। पाउडर बना के रखिएगा घर पे। लौंग भी डालिए, 6-8 लौंग, 8 लौंग डाल दीजिए। दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें, ब्लैक पेपर ये भी एक बड़ा चम्मच डाल दें। कड़क बनाएंगे एकदम, और जीरा ये एक छोटा चम्मच डालें, खसखस एक बड़ा चम्मच, थोड़ा सा करी पत्ता इसमें चले जाए, ठीक है। जब आप मसाला भून रहे, जनरली नहीं डालते लोग, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा। ये लीजिए, आप इसको धीमे आंच पे सेकिए, और सेकते वक्त आपको जब लगे गर्माहट आ गई है मसाले में, तो इंडक्शन मैं अपना बंद कर लेता हूँ, अभी गैस से हटा लीजिएगा और इसको चलाते रहिए। आपका हाथ जब तक वो गर्माहट झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, समझ जाइए जो गर्माहट है वो करेक्ट। चलिए, आइडियली आपको इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना चाहिए, फिर आपको पीसना चाहिए। हम बोरोसिल के मिक्सर ग्राइंडर में, बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है, सिल्वर लाइन मिक्सर ग्राइंडर है मेरे पास, पावरफुल है जी, इसकी मोटर बहुत ही पावरफुल है। और नमक मैं ले लेता हूँ मेरे मसाला सोल से, यानी बोरोसिल के मसाला सोल से, और मसाले में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और नमक डालने से क्या होगा, मसाला थोड़ा सा बढ़िया ड्राई हो जाएगा और अच्छा सा पाउडर बनेगा। अब आप जब भी करी बनाएंगे घर पे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने बढ़िया सा पाउडर बना लिया, ये देखिए क्या बात है, रंगत बढ़िया, खुशबू बढ़िया, ठीक है जी, पाउडर बन गया ये, इसको हम रख देते हैं। तो जब भी मिसल बनाते हैं जी, तो मिसल में भाई साहब तेल ज़्यादा पड़ता है, तेल नॉर्मली मूंगफली का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए जी, तेल गर्म हो गया है, जीरा डाल लेते हैं। अच्छा, कोई कोई जगहों पे लोग हींग भी डाल लेते हैं, ठीक है। जीरा डाला, करी पत्ता डाला, ये रहा, वो हद करता है करी पत्ता, ये लीजिए प्याज, 2 बड़े प्याज डाल लिए, भूनेंगे, ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, लगभग 3 मिनट तक भूनेंगे एग्जैक्टली, हल्के से गुलाबी होंगे, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए जी, मिसल का नेक्स्ट स्टेप, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी मात्रा थोड़ी ज़्यादा पड़ती है तो 1.5 बड़ा चम्मच डालेंगे। जब मिसल घर पे बनता है ना, जो तरी होती है ना, वो एक एक बोल भर भर के खाते लोग, इतना मज़ा आता है। और ये अब भूनेंगे वापस 2-3 मिनट तक। अब इसमें टमाटर डाल लेते हैं, 3 मीडियम साइज के टमाटर चॉप करके डालें, टमाटर डल गए, इसमें अब नमक डाल लेते हैं, करिएगा टनक टनक, आह क्या बात है, ध्यान से डालिएगा नमक, क्योंकि नमक हम दें, जो फ्रेश मसाला पीसा था उसमें भी नमक था, राइट, तो इसलिए इसमें ध्यान से डालिए। और इसको आप भूनिए, 5-6 मिनट तक भूनिए अच्छे, मीडियम फ्लेम। तो चलिए, 5-6 मिनट भूनने के बाद अब मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले रेड चिल्ली पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच डालिएगा, हल्दी, बढ़िया बोरोसिल मसाला सोल से 1 चम्मच छोटा वाला हल्दी का डाल लें, और जो हमने फ्रेश मसाला पीसा था वो ले लेते हैं, ये 3 चम्मच डाल लेते हैं। बाकी मसाला जो है घर पे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा और यूज़ कर लूँगा, अभी मुझे लगता है इतना काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये जो पेस्ट है ना प्याज टमाटर का, ये ठीक से पेस्ट ही बन जाए, ठीक है। हरी मिर्चें ये भी डाल लेते हैं, 2 कटी हुई, ये लीजिए। मिसल के मसाले को अच्छे से भूनते रहिए तब तक जब तक इस तरह से तेल अलग ना हो। अब इस टाइम पे मैं पानी डाल लेता हूँ, पानी ढेर सारा डालना है, ठीक है जी,
एक डेढ़ लीटर पानी डाल दीजिएगा। चिंता मत करिए कि पानी, अरे पानी पानी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए बढ़िया कलर बन गया, वाह। तो ये भी मैं डाल देता हूँ। ज्यादातर एक ही प्रकार का ट्रेडिशनली डलता है, ये मटकी स्प्राउटेड। इसको आप, मैं अच्छे से उबालूंगा इसको, हम लगभग 10 मिनट तक उबालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप मुझे आलू का मिश्रण बनाना है। चलिए जी, हमारी मिसल पूरी तैयार है। अब इसको मैं अलग रख देता हूँ। आप देखेंगे जैसे हम अलग रख देंगे इसको, तो इसमें तेल अलग होने लग जाएगा। तो चलिए, अब हमने एक कढ़ाई रख ली है, आलू का मिश्रण बना लेते हैं, तेल डाल लेते हैं। तेल में हींग, राई, ये रही मस्टर्ड, ठीक है जी। सिंपल, जैसे आप डोसा के लिए मिश्रण बनाते वैसे ही है। करी पत्ता, आलू बॉयल वाला मैश करके डाल लें। दो आलू ले लिए हमने यहाँ पे, और थोड़ी सी हल्दी, नमक। चलिए जी, आलू का मिश्रण तैयार। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अब तो चलिए, अब हम पूरी तरह से तैयार है, सेट बना लेते हैं। ये लीजिए नींबू, प्याज डाल लेते हैं। प्याज को एक्चुअली इसी में रहने देते हैं, प्याज ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और ये चलिए, ये नमकीन, फरसान, ये ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, नासिक में इसी टाइप का मिलता है फरसान, यही वाला डलता है, मोटा गाठिया जैसा होता है वो, और ये क्रिस्प वाला गाठिया, ठीक है जी। ये ले लिया। अब एक में आलू ले लेते हैं, ये आलू ले लेते हैं, ये आलू ले लिया। ये है हमारा हीरो, ठीक है जी। ये हीरो में से मैं, ये जिसको तरी भी बोलते हैं, तेल भी बोलते हैं, ये निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। आम लोगों के लिए ये तेल है, लेकिन भाई जो मिसल पसंद करते हैं उनके लिए ये जान है। ये देखिए, इसको तरी भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये निकाल ली हमने, सारा मसाला जो है ना इसी में होता है, ये अलग, ठीक है। अब ये देखिए, इसको अलग करिए, मिक्स करिए, और ये मिसल इसमें डाल लेते हैं। प्लेट ले लेते हैं, पाव रख लेते हैं, ये सारे दोस्तों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है जी। ये और ये मेन हीरो, वाह। देखिए मिसल का तो सेटअप ऐसा ही होना चाहिए, ये बढ़िया सेटअप, एक बोल भर के मिले। मुझे तो एक बोल भर के चाहिए, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता है खाने में, पूछिए मत। और जब भी हमारे घर में आता है भाई, नॉन स्टॉप। मज़े वाली बात यह है कि इसके पाव सेके नहीं जाते। उसे ये मिल जाए सुबह सुबह तो उसका तो दिन बन जाता है। जैसे आज मेरा दिन बन गया, तो मैंने तो आपके लिए रेसिपी बना दी, आप भी बना के खाइए घर पे, मज़े से खाइएगा। यहाँ पे बोरोसिल है तो इजी है, रेसिपीज तो मज़ेदार होती हैं। समय मत वेस्ट करके बना के खाइए।